प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा अज दे इस आयोजन दे विच कि जिथे असीं दूसरा जसवंत सिंह कमल यादगारी लैक्चर करन जा रहे हैं। प्रोफेसर सुभाष चंद्र, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दे हिंदी विभाग दे मुखी ने, देश हरियाणा पत्रिका भी है, संस्था भी है, अंदोलन भी है, और उस दे नाल हरियाणा दे उत्तर भारत दे जो बुद्धिजीवियां दा, लेखकां दा, समाजिक ते राजनीतिक समाजिक कारकुनां दा जो एक पूरे दा पूरा पूर देश हरियाणा संस्था दे हवाले नाल जिस तरह दे नाल ओ नवीआं पैड़ां पा रहा है पंजाब ते हरियाणा दी आपसी सांझ, उस दे विच एक बड़ा केंद्री मुद्दा प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी हमेशा रखदे ने। प्रोफेसर साहब उस सारे उद्दम दी रूहे रवां ने, इन्हां दे बारे विस्थार दे विच आपां गल करांगे। मैं इन्हां दी जानकारी, इन्हां दी जाण पछाण होणी पंजाबी खिते दे विच बड़ा एक जरूरी सानूं लगदा कि इहदा जिक्र करना चाहीदा। और साढ़े नाल अज दे इस भाषण की प्रधानगी करन दे लई साढ़े उत्तर भारत दे खिते दे कुछ बहुत ही सिरमौर विद्वाना दे विच्चों, सिरकट विद्वाना दे विच्चों प्रोफेसर सुखदेव सिंह सोहल साढ़े नाल शामिल ने। असीं इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब दा विशा इतिहासकारी है, शहर अमृतसर है, ते सिरनामा दरवेशी है, जो साढ़े खिते दे विद्वाना दा एक बड़ा जरूरी किरदार रहा। एक लिहाज दे नाल अमृतसर दी जिहड़ी एक बहुत अमीर विचारक विरासत दा जिहड़ा वर्तमान पिड़ है, उस नूं प्रोफेसर सोहल हुणा दी सरगर्मी दे नाल मुड़ तों खेड़े दे विच आया इह सारा खिता दिसदा है। असीं उन्हां दे बहुत धन्नवादी हैं कि उन्हां ने समां कढ़िया है, वो अजिहे सारे उद्दमां नूं जिस तनदेही दे नाल वो अपना समर्थन दे रहे ने ते अपना योगदान पा रहे ने, इस ने इन्हां उद्दमां दी सार्थकता नूं होर गूढ़ा कीता है। मैं दोबारा तो और वार वार उन्हां दा धन्नवाद करदा और उन्हां नूं मैं जी आया हाँ। अज दी जो यह मैं थोड़ी इस दी पिठ भूमि बस दो एक मिनट दे विच दे के मैं अपनी गल नूं अगे तोरदा, वो ये कि यह दूसरा जसवंत सिंह कमल यादगारी भाषण है। इस तों पहला भाषण पिछले साल 27 जून नूं जसवंत सिंह कमल होना ने जदों 100 साल अपनी हयाती दे पूरे कीते तां यह उन्हां दे ज्यौंदियां यह लैक्चर लड़ी दा पहला लैक्चर हिंदी दे बहुत ही प्रबुद्ध कवि ते आलोचक पंकज चतुर्वेदी हुणा ने दिता, जिथे कि उन्हां ने सभ्याचार अते सियासत दे आपसी हवालियां दे जरिए अपनी गल नूं अगे रखिया। बहुत चर्चा हुई और वह जसवंत सिंह कमल हुणा दी अपनी लेखनी दे अपने लिखतां दे सफर दे नाल भी जुड़दा होया एक सवाल है कि किस तरह दे नाल उन्हां ने सियासी जां विचारधारक सवालां नूं, विचारक कोटियां नूं, कैटेगरीज नूं, विवादां नूं, संवादां नूं पंजाब दे आम लोकां दे नज़दीक ओह अपनी सिरजणा दे नाल किवें लैके गए कि पंजाब दे लोक भी हिस्सेदार बने इस सारी प्रक्रिया दे विच। और कमल जी ने इस दे लई साहित सिरजणा खास तौर ते नावल कहानियां ते वार्तक दे जरिए अपनी हाजरी नूं जिस तरह दे नाल पंजाब दे पेंडू खेतरां दे विच एक नवें पाठक वर्ग नूं पैदा कीता, उन्हूं पंजाबी साहित दे नाल जोड़िया, जुबान दे नाल जिवें जोड़िया, वह उन्हां दा एक लासानी योगदान रहेगा। और इस दे नाल ही एक होर जिहड़ी गल सानूं दिसणी शुरू होई कि एक अक्सर फासला जिहड़ा बना लिया जांदा है कि जी इह ते लेखक ने, ਇਹ ਸਿਰਜਕ ਨੇ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ
ਜ਼ਰਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਮਲ ਜੀ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਹਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਰਨਾਵਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 21 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਪਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਜੋ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਮਾਏ ਔਰ ਸੰਭਾਵਨਾਏ, ਦਲਿਤ ਆਤਮ ਕਥਾਏ ਅਨੁਭਵ ਸੇ ਚਿੰਤਨ, ਔਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਹਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਤਮਕਥਾ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਾ ਔਰ ਮੁਕਤੀ
और हरियाणवी लोक धारा प्रतिनिधि रागणियां। सो ये एक बड़ा वड्डा फलक है, बहुत वड्डा स्पैक्ट्रम है जिहदे विच प्रोफेसर सुभाष चंद्र अपना दखल रखते ने। और ये एक चीज मैं प्रोफेसर साहब नूं दस दिया कि जो तुहाडी किताब है जी भीष्म साहनी साहित्य और जीवन दर्शन, तो भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी जसवंत सिंह कमल के अंतरंग अभिन्न मित्रों में से थे और बलराज साहनी जाके उनके गांव टुडीके में महीनों रहते थे, पंजाबी में लिखते थे, उनको बल्कि पंजाबी में बहुत सारी उनकी किताबें जसवंत सिंह कमल के घर पे बैठ के लिखी गई हैं। और ये सारी चीजें मैं सोच रहा था कि ये भी एक कनेक्शन आपका एक यहां से बनता है और दूसरा संत राम उदासी के हवाले से कि आपने संत राम उदासी की कविता को भी आपने अनुवाद किया है हिंदी में, तो उदासी का जो एक अपना रिश्ता कमल जी के साथ था वो भी आपके जरिए एक नई ऑडियंस तक पहुंचेगा। ये सारी बातें हैं, लेकिन एक बात बस मैं आखिरी में कह के फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और तब आप अपनी बात रखिएगा कि पंजाब दे लोग ये गल नहीं जानते कि देश हरियाणा करके जो जिस पत्रिका का मैं जिक्र किया है वो किस तरह का एक संस्थाई उद्यम है, किस तरह के नाल एक इस पूरे खिते की जो लोकधारा है इतिहास है उदियां कुछ डॉक्यूमेंट्स ने उन्होंने किमें दृष्टि के विच लिया जाता है। और ये पिछले कई साल तो हर साल हरियाणा सृजन उत्सव हुंदा है जिस दे विच के हरियाणा खेतर दे विद्यार्थी लेखक मैं पहला कह चुके हैं पत्रकार सारे जिन्हों आपां इंटेलीजेंसिया कह लैने आ उत्थे इकट्ठा हुंदा है, एक्टिविस्ट इकट्ठे हुंदे ने और बहुत गंभीर सार्थक चर्चा उत्थे चलदी है। और इसे दे विचों ही फिर एक होर उद्यम इन्हां ने कढ़िया हरियाणा सृजन यात्रा दा जिस दे विच के हरियाणा दे नाल जुड़ियां होईयां जिहड़ियां वड्डियां परंपरावां ने कुछ उहदे विचों बाबा फरीद जी जिन्हां ने हांसी दे विच सिक्ख्या हासिल कीती 12 साल उन्हां दे उस चार कुतुब थां ते जाना जिथे कबीर पंथी संत गरीबदास जी का जिथे द्वारा उत्थे जाके उन्हां नूं अकीदत पेश करनी गल तोरनी, पानीपत जाना बू अली शाह कलंदर की जो मज़ार है अलताफ हुसैन हाली नूं याद करना और बाल मुकंद गुप्त वर्गे एंटी कलोनियल जो साडे एजिटेटर सन उन्हां दीआं थावां ते जा के ये सारे कुछ नूं करना। एक गल जिहड़ी इन्हां ने इहदे चों कीती कि हरियाणा पंजाब का जो जो रिश्ता है जो कलात्मक इतिहासक सभ्याचारक जो सांझ का रिश्ता है वो एक तो सानूं हुण हरियाणा किसानां दे अंदोलन दे विच दिखाई दे रहा है जदों वो एक मास तक पहुंचा है। पर मैं इत्थे फ्रेश साहब की इस गल नूं मैं अंडरलाइन करना चाहुंदा है कि उहदा एक सिद्धांतक आधार उहदी एक विचारधारक जे कोई बुनियाद हरियाणा सृजन यात्रा या हरियाणा सृजन उत्सव या देश हरियाणा दे विच इन्हां दे पास्यों रखी मिलती है। इन्हां सारियां गल्लां दे नाल मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी नूं दावत दिन्ना। उन्हां तों पहलां मुख्तसर पद्धर दे उपर 5-7 मिंट प्रोफेसर सुखदेव सिंह सोहल जसवंत सिंह कमल दा पंजाबी साहित या इतिहास या साडे समाज दे विच उन्हां दा की बारे किवें गल कीती जा सकती है कुछ वो इंट्रोडक्टरी अपने रिमार्क्स देणगे। उस तों बाद सुभाष जी असीं तुहाडा लैक्चर सुण दे लई तैयार होणे आ। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत मान ते खुशी भरपूर गल है कि अज असी जसवंत सिंह कंवल यादगारी भाषण दूसरा शुरू करन जा रहे हैं। जसवंत सिंह कंवल पंजाब ते पंजाब तो बाहर जाने पछाणिया नाम है अते जिस दे साहित च लोकाई दी हर परत पई हुई है। कुछ मशहूर नावल हैं सच नूं फांसी, पाली, हाणी ते रात बाकी है। कुछ 30 नावल हैं, 10 कहानी संग्रह, बाकी राजसी लेखां दियां जिहड़ियां 5 किताबां ते जे अपना बच्चियां दियां किताबां भी जोड़ लईयां जाण तां 52 लिखतां बनदियां हन।
ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 1940 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਔਰ ਅਦਾਰਾ 23 ਮਾਰਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਝੇ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੋਡਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਚੈ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਤੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਔਰ ਆਪਕਾ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵਾਨਵਿਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆਨ ਹੈ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ ਉਨਕੋ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਨਕੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੋ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋ, ਉਨਕੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਜੋੜ ਪਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਥਾ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮੈਂ, ਤੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਕੇ ਸਾਹਿਤਯ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕੇ ਪਾਠਕੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਏ, ਉਸਮੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਈ ਉਸਕੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਜਿਨਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਨਕੇ ਉਪਨਿਆਸੋਂ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਕਾ ਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਨਕੀ ਰਚਨਾਓਂ ਮੈਂ ਗੁੰਫਿਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਵੋ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ, ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਿਸ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਦੇਹਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਮਾਨਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤਯ ਕਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਸਕੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ੍ਰਿ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੁੱਖ ਉਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਛੋਟੇ ਜਨ ਸਮੁਦਾਇਓਂ ਕੀ ਔਰ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾਏ ਜਿਨਕੋ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਨਤੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਯ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਰੱਖਣਾ
और क्योंकि उस भाषा के माध्यम से ही वो पूरा समाज और उसकी ताकत, उसकी सोच, उसका चरित्र, वो सब सामने आती है। और उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको वाणी देना, ये एक मेरे लिए जो इस तरह के साहित्यकार हैं वो बहुत ही ज्यादा मुझे मतलब अच्छे लगते हैं खुद उसके तौर पे, और हम सबकी वो विरासत होते हैं। और जिस तरह से पंजाब के एक तरह से जो पीपल्स हिस्ट्री है जो एक तरफ चलती रहती है, और कई बार बुद्धिजीवियों का या शासक वर्गों का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है उस चीज को, और ये एक उसकी तरह से ही उसको उद्घाटित करते हैं, उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से ले आते हैं, और फिर वो एक पूरे आने वाले समय की एक पूंजी बनती है, एक तरह से इतिहास का ये रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, जो जसवंत सिंह कंवल के उपन्यासों में, उनकी पूरे कथा साहित्य में हमें देखने को मिलता है। और जो पूरी एक पंजाब की जो रेडिकल ट्रेडिशन है, पूरी परंपरा है, जो एक सलाह भी देती है अपनी पीढ़ियों को और उनके अनुभवों को देख करके अपनी कलम से कलमबद्ध भी करती है, तो ऐसे साहित्यकार को जो पंजाब के जितने भी बहुत लेखक हैं जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं वो नमन करते हैं ऐसे साहित्यकार को, और उनसे अपनी प्रेरणा स्रोत बनते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात, जो कुछ विशेषताएं इन दो शख्सियतों के बीच में, जसवंत सिंह कंवल और ज्योतिबा फुले, जिस तरह से जसवंत सिंह कंवल ने पंजाबी भाषा में, देहात की भाषा में अपना साहित्य रचना की, और अब जिस तरह से वो भाषा फलफूल रही है, उसी तरह से 150 साल पहले, उससे भी ज्यादा पहले, ज्योतिबा फुले मराठी भाषा के लिए इसी तरह से संघर्ष किया था और मराठी भाषा में ही अपनी रचना की थी। तो और उन्हीं जिस तरह से वहां के देहात को, किसानी को, गरीब गुरबों को, उनके जीवन के संघर्षों को जिस बेबाकी के साथ वाणी दी ज्योतिबा फुले ने, तो ये अपने आप में भी एक, मैं ये महसूस कर रहा हूं इस बात को कहते हुए, कि ऐसे यदि शख्सियतों को एक जगह की, जिन्होंने अपने अपने समुदाय की, अपने जगह की कल्चर को आवाज बने, यदि उन सबको इकट्ठा करें और इस तरह से बातचीत हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत यहां से सब लोगों को मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जसवंत सिंह कंवल मेमोरियल कुछ बातें कहूं। यहां मेरे पास कोई उस तरह का रेडीमेड लेक्चर नहीं है, मैं कुछ बातें अपनी तौर पे जो ज्योतिबा फुले को मैं निरंतर पढ़ता रहा हूं, और उनके बाद और जिस तरह से उन्होंने देखा है, जो मुझे सूझ रही है इस समय पे, वो कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। और इसके बाद यदि कुछ चीजें होंगी इस पे विचार विमर्श आप समझेंगे कि, तो उस पे बातचीत हम कर लेंगे। और जो हमारे सामने जो विषय है, मौजूदा किसान आंदोलन और ज्योतिबा फुले को पढ़ते हुए कि किस तरह से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, जैसा ये किसान आंदोलन है जिसने पूरी चेतना को जगाया है, एक जो पंजाब की उड़ती हुई तस्वीर बन रही थी, उड़ते पंजाब की, उसको फिर से जो रियल पंजाब है उसको जिंदा कर दिया इस आंदोलन के स्पर्श ने, और उस पूरे उसको निखार दिया एक तरह से, वो फिर से पुनर्प्राप्ति है ये अपने पंजाबियत की, या पंजाबी जो पूरी हमारा ये क्षेत्र है, जो जनसंघर्ष है, ये इस तरह के संघर्षों से ही
चरित्र बनते भी हैं और ये पूरी ट्रेडिशन है 500 साल की पंजाब की, यदि देखेंगे इसके अंदर तो बहुत सारी बातें हैं। तो जब हम इस तरह के आंदोलनों के माध्यम से अपनी विरासत के महापुरुषों और उनकी विचारों की को जोड़ के देखते हैं, तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि क्या हमारे आंदोलन और हमारा जो मौजूदा समाज है, क्या हम पूरी ट्रेडिशन को, पूरी परंपरा को क्या उसी दिशा में हैं, किस तरह से हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपना रिश्ता बना रहे हैं उसके साथ। तो जब भी हम देखते हैं कि इस आंदोलन के को देखते हुए कुछ मैं अपनी तौर पे बात कहने के लिए कुछ एक दो टिप्पणियां करना चाहता हूं, बाकी तो इस आंदोलन को हम सब लोग समझ ही रहे हैं कि एक सिर्फ किसान आंदोलन उस रूप में नहीं है कि किसानों के कुछ मांगे हैं और उसको मनवाने के लिए ये आंदोलन है। मेरी नजर में ये आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है, जिसमें सभी तरह के लोग, उनकी सेवा, उनका त्याग, यदि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े रेलवे के ऑफिसर हैं वो वहां पे झाड़ू लगाते हैं। तो ये जब इस तरह की भावनाएं लोगों की उभरने लगती हैं किसी आंदोलन के माध्यम से, तो वो आंदोलन अपनी जो उसकी खुद की सीमाएं होती हैं उसका अतिक्रमण कर जाता है और वो एक हिस्ट्री को मोड़ देने वाला, एक तरह से जैसे कहते हैं गाड़ी अब कांटा बदलेगी, अब नया रास्ते पे चलेगी, ये उस तरह के आंदोलन में बन चुका है। और जितने भी गीत संगीतकार हों या कल्चरल हों, लेखक हों, सब लोगों की आवाजें उसमें जुड़ी हुई हैं। और जिस तरह का भाईचारा इस आंदोलन के माध्यम से हम देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब, जो कभी कभी कटुता की बातें और आपसी शक अविश्वास की बातें कई बार दिखाई देती थी, जो कि लोगों में तो नहीं थी, लेकिन इस तरह की राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए जो लोगों को आपस में फूट डालने का काम करते रहते हैं, वो सब धुल गई है, अब वो कहीं नजर नहीं आ रही है। यदि कोई उस तरह की कोशिश भी करता है तो लोग उसका अपने आप जवाब दे रहे हैं, हम सब लोग उसको जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इस भाईचारे के साथ ही जो इस आंदोलन में जो ज्योतिबा फुले और जो हमारी पूरी संघर्षों की विरासत है, कि जिस तरह से इस आंदोलन ने सीधे जो सबसे बड़े इस टाइम पे कारपोरेट है, सरकारों के साथ, रूलिंग पार्टी के साथ जिस तरह से ब्रैकेट किया, उनको जोड़ दिया, ये अद्भुत है। आंदोलन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस तरह से कि स्पष्ट तौर पे जो वर्गीय चरित्र को, वर्गीय हितों को ऐसे स्पष्ट तौर पे दिखाने वाले आंदोलन, ये बहुत लंबे समय के बाद ऐसा आंदोलन आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी इस बात को महसूस कर रहा हूं कि ये पहली बार जो है एक तरह से ये आंदोलन सिर्फ सरकारों से और अपनी मांगों से आगे बढ़ करके एक उस अवस्था में ये आंदोलन है। और जो सरकारों की और सत्ताओं की जो पक्षधरता है, जो वो किधर खड़ी है, उनका जो क्लास कैरेक्टर जो कई बार छुपा रहता है उनकी लफाजी में और जनता के प्रति जिस तरह की जो मिथ्या प्रचार और किया जाता है उनके द्वारा, उनके पास साधन होते हैं, तो कई बार लोग उस भ्रम का शिकार होते हैं जिसके खिलाफ ज्योतिबा फुले का पूरा मूवमेंट था मिथ्या के खिलाफ, तो ये इस आंदोलन ने वो भी कहा है। और तीसरी एक और चीज जो मैं इसमें महसूस करता हूं कि जिस तरह से सामूहिक नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, जो किसी के पैटर्न में नहीं है, जो किसी संरक्षण में नहीं, बल्कि स्वतः स्फूर्त जैसे खुद ही नेता हैं और खुद ही कार्यकर्ता हैं, खुद ही प्लानर हैं और खुद ही उसके पार्टिसिपेंट हैं, लीडर में और उसमें कोई फर्क नहीं बचा, सबकी चेतना का स्तर इस तरह से मिल गया है एक जगह पे आकर के कि सब अपने आप को इसका नेता समझ रहे हैं और सब कमांड में भी है, कोई बाहरी समर्थन से आंदोलन नहीं चल रहा है। तो ये भी इस आंदोलन की खूबसूरती है। और एक और जो चीज है, कई बार किसानी शक्ति को खासतौर पे बुद्धिजीवियों में और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों में विशेष तौर पे किसानों की शक्ति को कम करके आंका जाता है कि ये तो एक रिवोल्यूशनरी फोर्स के तौर पे किसानों को देखना, शायद वो इसमें गलती करते हैं थोड़ा सा। तो ये भी एक बात उद्घाटित हुई है कि फिर से
जो सिद्धांत निर्माता हैं उनको पुनर्विचार करने की जरूरत है इस बात के ऊपर कि किसान जो है वो क्रांतिकारी शक्ति है और पूरी रिवॉल्यूशन के वो अग्रिम दस्ता का हिस्सा, उसको लीड कर सकते हैं, उसके अंदर वो क्षमता है। तो ये जो पोटेंशियल है इस वर्ग का, किसान वर्ग का, जमीन से जुड़े हुए वर्ग का, और किस तरह से वो शासन सत्ता की नाक में नकेल डाल सकता है, ये भी इस आंदोलन ने हमें बताया। तो बहुत सारी चीजें इस किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज्योतिबा फुले भी एक किसान नेता थे बेसिकली तो, और किसानों से ही उनकी उनकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, किसानों को ज्योतिबा फुले का जो अध्ययन है कई बार बहुत संकीर्ण तरीके से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तौर पे, एक दलित चिंतक के रूप में वो थे वो, लेकिन जो यदि हम ज्योतिबा फुले को जिस तरह से उन्होंने स्वयं अपने समय के जीवन को समग्रता के साथ समझा था एक एक यूनिट के तौर पे, वैसे ही ज्योतिबा फुले को यदि हम देखेंगे तो उन्होंने किसानों को इस तरह से कहा कि देखो तीन तरह के किसान होते हैं। एक उन्होंने कहा कुनबी, जो पूरी तरह से खाद्यान्न पैदा करते हैं, मोटी फसलें उगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और दूसरे किसान होते हैं जो कि एक तरह से बाग बागवानी करते हैं, सब्जी और फल उगाते हैं, वो भी किसान है, और तीसरे होते हैं और वो साथ में मोटा अनाज भी पैदा करते हैं, और तीसरे होते हैं धनगर जो कि पशु चराते हैं। इन तीनों तरह की चीजों को जो आज जहां 150-200 साल के बाद हम शायद इनको एक अलग अलग श्रेणियों में हम देखने के शायद आदि हो गए हों, लेकिन हमारे चिंतकों ने, विचारकों ने, विशेष तौर पर ज्योतिबा फुले ने इन सबको, तीनों को किसान ही माना है। उन्होंने लिखा है, जो उनकी किताब है किसान का कोड़ा, एक बहुत ही प्रसिद्ध, दो किताबें विशेष तौर पर उनकी बहुत प्रसिद्ध हैं चिंतकों के बीच में, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा, और जो तीसरी किताब बहुत ही प्रसिद्ध है ज्योतिबा फुले की, वो है सार्वजनिक सत्य धर्म। तो इस रूप में यदि हम देखेंगे कि वो जो किसान का कोड़ा है और जो किसान की दुर्दशा है उस समय पे 19वीं शताब्दी और 1857 भी वही है जो किसानों का विद्रोह, और जो अलग अलग टाइम पे जो हम चीजें देखेंगे तो ज्योतिबा फुले की बैकग्राउंड वही है। और क्योंकि आप देखेंगे कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुए छोटी छोटी पॉकेट्स में, बड़े आंदोलन के तौर पे तो 1857 है, उसके बाद भी छोटे छोटे विद्रोह इस रूप में होते रहे, तो उन विद्रोहों के अग्रणी नेता के तौर पे भी ज्योतिबा फुले काम करते रहे। और जब ये राष्ट्रीय सार्वजनिक सभा बनी, कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, तो उसका जो अधिवेशन हुआ बंबई में, दूसरा अधिवेशन, एक तरह से वहां पे जो उन्होंने एक जो सत्य शोधक उन्होंने बनाया था जिसकी हम बात करेंगे, एक किसान का पुतला लगाया वहां पे, क्योंकि जो कांग्रेस का जो शुरू का जो करेक्टर है जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग थे, इलीट, कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास ऐसे आप बोल सकते हैं, किसानों की दुर्दशा का उसको, उसकी डिमांड्स को भी अपनी डिमांड्स में शामिल करें, अपने चिंतन में शामिल करें, इसके लिए एक वहां पे उन्होंने किसान की दुर्दशा का उसके बिल्कुल पंडाल के सामने एक बूथ लगाया। ऐसे बहुत सारे इंस्टांस है, एक पूरी किताब तो है ही किसान का कोड़ा। तो ज्योतिबा फुले की जो दृष्टि है और जो सोच है वो एक तरह से किसानों की उसमें से आती है, जिस व्यवस्था के खिलाफ या जिस सोच के खिलाफ ज्योतिबा फुले पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे, उसमें जो वर्किंग क्लास है, जो हाथ से काम करता है, चाहे वो कामगार है, दस्तकार है या किसान है, उसको शूद्र की श्रेणी में डाला गया, जो जो कमा के खाता है, आप जो जिसको हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी बोलते हैं कई बार, और वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, कि जो चार वर्ण हैं और चारों वर्णों की अलग अलग ड्यूटीज हैं और राइट्स हैं,
और जो चौथा वर्ण है उसकी तो कोई राइट्स तो है ही नहीं, सिर्फ ड्यूटीज ही। और यही एक तरह से शक्ति के स्रोत भी हैं। ये जो सबसे ऊपर वर्ग है समाज में, उसके पास ज्ञान की शक्ति है, जो उससे नीचे है क्षत्रिय है उसके पास पावर है, राजसत्ता है, उसकी शक्ति है। और जो उसके बाद जो वर्ग है वैश्य वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है या वैश्य है, उसके पास जो है धन की शक्ति है, संपत्ति की शक्ति है, ज्ञान सत्ता और संपत्ति। ये तीनों ही शक्ति के स्रोत है एक तरह से, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और चौथा जो वर्ण है उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेवा करने के अलावा, काम करने के अलावा। और इन तीनों वर्गों की मौज मस्ती और आराम परस्ती और मुफत खोरी और इनको पालन पोषण करने के अलावा वो काम उन्होंने करना है। तो ये सारी इस रूप में हम मतलब देख सकते हैं कि कैसे वो जुड़े हुए थे उस पूरे वर्किंग क्लास के साथ, कैसे जुड़े हुए थे, कैसे उनकी समस्याओं के साथ वो देखते थे। खैर, तो एक तरह से ज्योतिबा फुले को जब हम पुनर्पाठ करते हैं, उनको री इन्वेंट करते हैं या खोजते हैं, क्योंकि काफी समय बीत गया और चीजें बदली हैं, उसी रूप में वो शायद नहीं दिखेंगी जैसे जो मुद्दे ज्योतिबा फुले के सामने थे, उसी शक्ल में नहीं है। लेकिन उन वर्गों की जो चिंताएं हैं, उनके प्रति जो सोच है, व्यवस्थाओं के जो चरित्र है उनको लेकर के, वो अभी उसकी दृष्टि से हम इस पे विचार कर सकते हैं। एक तरह से जब हम ज्योतिबा फुले पे को खोजते हैं, प्राप्त करते हैं आंदोलनों के माध्यम से या प्रेरणा लेते हैं जब उनसे, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ एक ही है कि जो भारतीय समाज की जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उसका सामना करना। और वो ग्राउंड रियलिटीज क्या है कि उसको देखना। ये क्योंकि ज्योतिबा फुले उस तरह से बहुत प्रशिक्षित ना तो अर्थशास्त्री थे और ना ही उस तरह से प्रशिक्षित समाजशास्त्री थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनका सारा ज्ञान अनुभव जन्य था, उनका सारा ज्ञान अनुभव पे आधारित था, अपनी जिंदगी में से, अपने आसपास के लोगों को देख करके। क्योंकि उनकी ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में यदि हम जाने तो उनके व्यक्तिगत जीवन के अलावा जो उनके प्रोफेशन थे, वो एक तरह से उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि जैसे रोड सड़क बनाने के या रास्ते बनाने के, नहरें बनाने के जो ठेकेदार होते हैं, वो काम ज्योतिबा फुले करते थे। और उनको सबसे ज्यादा तजुर्बा था इस बात का, उस टाइम की शासन सत्ताओं का, रूलिंग क्लास का, और उसमें बैठी हुई जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है कि वो किस तरह से कामगारों का शोषण करती है। क्योंकि सबसे ज्यादा एहसास उसी व्यक्ति को होता है जो जिसको उससे वास्ता पड़ता है। तो इस रूप में ये सारा उनका जो भी उन्होंने लिखा है बहुत ज्यादा विवरण परक है, बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चाहे कहीं से भी हम उनको पढ़ें तो वो अपने समय की चीजों को वो हमें बताते हुए नजर आएंगे। यदि हम देखें कि ज्योतिबा फुले की का जो एक तरह से उनके कामों की दिशा, या जो ज्योतिबा फुले के जो सोच है, विचारधारा है, उसके जो मूल्य है वो क्या है, देखिए तीन चार चीजों में हम उसको समाहित कर सकते हैं। एक है सत्य, ट्रुथ, सबसे बड़ी चीज उनके लिए यही है, इसीलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। और अपने जीवन के, सार्वजनिक जीवन के 20 साल के बाद 1848 से उन्होंने काम शुरू किया था। 1848 बहुत महत्वपूर्ण है वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप जानते हैं 1848 मार्क्स के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनकी जो बहुत प्रसिद्ध किताब है उसके साथ जुड़ा हुआ है। 1848 से ज्योतिबा फुले ने काम शुरू किया था, स्कूल खोलने का काम, और उसके 20-22 साल के बाद सार्वजनिक जीवन का जो अनुभव हुआ उनको, उन्होंने ये महसूस किया कि इतना बड़ा काम है उसको अकेले या कुछ लोगों के साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको एक संस्थागत रूप देना होगा।
और एक उन्होंने सोसाइटी बनाई सत्य शोधक समाज, जो ट्रुथ सीकर है, सोसाइटी फॉर ट्रुथ सीकर, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स, सत्य शोधक समाज बनाया। उस समय पे समाज बनाने का रिवाज था, कोई आर्य समाज बना रहे थे तो कोई ब्रह्म समाज बना रहे थे, कोई प्रार्थना समाज बना रहे थे। तो ज्योतिबा फुले के समाज में किसके नाम से भी आप जान सकते, और इस रूप में कि वो जो कौन, वो सत्य पे इतना जोर क्यों देते थे, सच्चाई पे इतना जोर क्यों देते थे ज्योतिबा फुले, वो इसीलिए क्योंकि जो सच है वो एक तो जब तक हम उसको सामाजिक संबंधों में उस सच को एक्टिवेट नहीं करते, वैसे तो जितनी भी झूठ की लीला है वो सब सच के नाम पे ही खड़ी होती है, जो भी झूठ का जो प्रपंच है वो सारे सत्य के क्लेम पे ही होता है, और सत्य जो है किसी को गिफ्ट में तो मिलता नहीं है, वो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा झूठ उसमें मिक्स होता है, बहुत ज्यादा मिथ्या धारणाएं, फैलसीज अपने समय की जो रूलिंग क्लास है, जो शासक वर्ग है, वो लोगों के दिमाग में चिपका के रखता है, और वो एक ऐसी काई होती है झूठ की जिसकी परत के नीचे वो सच्चाई छुप जाती है, दिखाई नहीं देती है वो। तो इसलिए उन्होंने सत्य के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, सत्य के लिए, संघर्ष के लिए, क्योंकि सत्य जो है वो व्यवस्था से बाहर होता है, इसलिए उस पर जोर दिया उन्होंने। और सत्य जो है, व्यवस्था का आलोचक कौन हो सकता है, वो सत्य हो सकता है, सच हो सकता है, और जो व्यवस्था का परिवर्तन भी कहां से होगा, इसलिए सत्य उनकी फिलोसफी का, उनके पूरे जीवन दर्शन का, या उनकी जितनी भी लाइफ की प्रैक्टिस है, उनका मेन चीज है। इसलिए वो जितने भी धार्मिक पाखंड है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, या ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे फैलाई गई जितनी भी बातें हैं, या जितनी भी एक दूसरे चीजों के बारे में, मनुष्यों के बारे में एक दूसरे के प्रति फैलाए गए जितने भी भ्रम है, जो मनुष्य की चेतना को ढक लेते हैं, उसकी दृष्टि को कुंद कर देते हैं, इसको हटाने की जरूरत है, और उस सत्य को प्राप्त करने की जरूरत है जो इसकी ओट में या इसके आवरण के नीचे छुपा हुआ होता है। अब ये अपने आप में एक सोचने की बात है कि सत्य कहां, क्या होता है सत्य, इसके ये, और ये कोई आप देखते हैं कि जितने भी, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, सब सत्य के प्रैक्टिशनर हैं, सबने सत्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, अपने आप नहीं मिला। तो ज्योतिबा फुले भी सत्य के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे बन जाएं जो सत्य को प्राप्त करने के, सत्य के खोजी हों, सत्यान्वेषी। और सत्य कहीं छुपा होता है, और अभी तो जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां तो अब 4-5 साल से तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी वर्ड डाल दिया है 5-7 साल से पोस्ट ट्रूथ एज, कि ये तो मिथ्या का ही, जितने भी आर्टिफिशियल जो चीज है, जो बिल्कुल मतलब मिथकों और कल्पनाओं की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो मतलब निर्मित सत्य के तौर पे पेश की जाती है, जो झूठ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, कि कैसे लोगों के दिमागों को पोल्यूट किया जाता है, कैसे प्रदूषित किया जाता है हर रोज, किस तरह से झूठ का कूड़ा उनके अंदर फेंका जाता है, और इससे वो जो उनकी विश्लेषण क्षमता है वो बर्बाद होती है, और मानवीय जो संभावनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक तो उनकी सारे काम की जो दिशा है, चाहे हम उनके जितनी भी उन्होंने पुस्तकें लिखी, चाहे गुलामगिरी हो, चाहे किसान का कोड़ा हो, चाहे शिवाजी का पवाड़ा हो, चाहे सार्वजनिक सत्य धर्म हो, चाहे तृतीय रत्न एक नाटक लिखा, बहुत बहुत सारा साहित्य उन्होंने निर्मित किया, उत्पादन किया साहित्य का, अखबार निकालते रहे दीन बंधु नाम का, बहुत सारी राइटिंग है उनकी, बहुत सारे छोटे बच्चों के
कंपटीशन करवाते ऐसे राइटिंग कंपटीशन की वो लोग लिखना सीखें और अपने विचारों को वाणी देना सीखे। उन सबका कोर है ये सत्य है कि असल में इसको प्राप्त करने के लिए, जो इसको प्राप्त कर लेता है फिर उसको कोई ना तो भ्रमा सकता है ना दबा सकता है। इसलिए सत्य की पहचान करना और सत्य को ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना, ये उनके काम की एक दिशा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो न्याय है, ज्योतिबा फुले की उसमें चिंतन में न्याय। आप कहीं से भी आप पढ़ेंगे, कहीं से भी उठाएंगे सवाल, और वो जमाना ऐसा था जिसमें हम सब ने, आपने देखी होंगी सबकी राइटिंग्स, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो या ज्योतिबा फुले हो, जो उस समय के जितने भी समाज सुधारक हैं, वो प्रश्न उत्तर की शक्ल में संवाद करते थे एक तरह से, खुद ही सवाल उठाते थे फिर उनका जवाब देते थे। वो सवाल एक तरह से उनका नहीं होता था, वो सवाल जो लोगों में चल रहे हैं उनका ही होता था वो सवाल। और ऐसे ही कई तो कई वो इंटरव्यू की शक्ल में भी हैं और वो सेल्फ क्रिएटेड सवाल भी, क्योंकि उनकी वो एक तरफा विलाप नहीं है कि आप कमरे में टेबल पे बैठ कर लिखे जा रहे हैं कोई, नहीं, वो एक डायलॉग है। और डायलॉग हमेशा आप समझ सकते हैं कि डायलॉग में दो पार्टियां होंगी, चाहे वो कल्पित ही हो, चाहे उसको जैसे साहित्यकार चाहे एक वो प्रेती हो, लेकिन उसको वो कल्पना कर लेता अपने रीडर की, अपने सामने टारगेट होता है कि इनके लिए मैं लिख रहा हूं। जैसे कबीर की वाणी में देखेंगे वो हमेशा लिखते हैं साधो पांडे निपुण कसाई, वो साधो कौन है कि कुछ किसको कह रहे हैं, वो कोई है जिसको संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा जो न्याय की जो चीज है, जस्टिस, क्योंकि जितने भी अदरवाइज जो मानवता के प्रीचर होते हैं वो ज्यादा, बहुत सारे लोग शांति की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन न्याय के बिना शांति स्थापित हो नहीं सकती। एक सत्यवादी को पता है इस बात का, यदि आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो जस्टिस पहले होएगा उससे। यदि आप बिना जस्टिस के शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आप अन्याय के पक्षधर हैं। इसलिए सब चीजों का जो समाधान है, यदि आप टेंशन्स को, आंदोलनों को वगैरह वगैरह सब चीजें उसमें जोड़ सकते हैं आप, तो जस्टिस इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आप न्याय के लिए स्ट्रगल करो, तो न्याय स्थापित करने में शामिल हो जाओ, तो शांति अपने आप आ जाएगी। शांति का प्रवचन देने से थोड़ी शांति आएगी। इसलिए दूसरी जो उनके उसमें है, चाहे वो न्याय, हम और बातें करेंगे जब उद्घाटित होएंगी, और आप सब लोग बहुत इनके बारे में, ज्योतिबा फुले की राइटिंग के बारे में बेशक हमारे उत्तर भारत में कम जानते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं है, और उसकी हम बात कर सकते हैं। मैं कुछ बातें पहले कह देना चाहता हूं। तीसरी जो उनकी जो चीज है, जो हम कहते हैं जो कोर वैल्यू है उनके पूरे राइटिंग्स की, और क्योंकि ज्योतिबा फुले को मॉडर्न इंडिया का शिल्पी कहा जाता है, आधुनिक भारत की आत्मा के शिल्पी हैं, जो आधुनिक भारत के जो मूल्य हैं वो उनके सोच से होकर के आते हैं, और वो, और उनकी सोच बोरोड नहीं है, कहीं से उधार नहीं ली, वो उनके अनुभव, उस समाज के अनुभव से बनाई गई चीज है, क्योंकि वो बहुत ही समाज के निचले तबकों में पैदा हुए थे, तो जितनी भी शोषणकारी परतें होती हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, उसका सबसे ज्यादा एहसास होता है, वो सबसे ज्यादा उनको भुगतनी पड़ती है, इसलिए वो अनुभव जन्य होता है। तो उसका जब उसको वो फिलोसफाइज करते हैं तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी होती है उस बात के अंदर, वो सिर्फ तर्क जाल नहीं होता, उस अनुभव के आधार पे बनाई गई बात होती है। इसलिए दूसरी एक और चीज जो उन्होंने इसमें जोड़ी, जो समता मूलकता है, समता, और ये जो समता है, समानता जिसको इक्वलिटी, जो हमारे, आप जानते हैं कि जो भारत की आधी समस्याओं की, क्या लगभग 90% जो समस्याएं हैं उनकी जड़ जो है दो चीजों में है,
एक वर्ण व्यवस्था, एक पितृसत्ता, जो पूरी भारत का पूरा स्वतंत्रता क्या पूरा समाज सुधार आंदोलन है, दुर्ग आप चारवाक तक चले जाइए, महात्मा बुद्ध तक चले जाइए, वो इन दो चीजों से के खिलाफ है। जो हमारी पूरी नैतिक चेतना है, जो हमारा पूरा नैतिक बोध है, जो हमारा पूरे पालन पोषण में है, वो यहां से हमारे जो सांस्कृतिक जीवन की जो दिक्कतें हैं वो यहां से होती है। एक वर्ण व्यवस्था जिसमें गैर बराबरी होती है, ऊंच नीच होती है, और उसके साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहुत सारे लोगों को पैदा होते ही प्रिविलेज होते हैं और बहुत सारे लोगों को पानी जैसी चीज भी नहीं मिलती जो जीवन के लिए आधार है, जिसको जल ही जीवन लिखा होता है, लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए, उसके स्रोत बंद है आपके लिए। तो ये जो समता है, चाहे पितृसत्ता है, जो एक लैंगिक असमानता, जो लड़कियां पढ़ाओ, लड़कियां बढ़ाओ, बचाओ, इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, सारा पूरा हमारा समाज सुधार आंदोलन क्या है, वो हमारे घरों में स्त्रियों की दशा को सुधारने का एक कार्यक्रम, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे स्त्री शिक्षा, चाहे सती प्रथा हो, वो उन सब, वो सब यहाँ पे है। जितने भी हमारे समाज सुधारक हैं वो इन दो बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे, कबीर हों, रविदास हों, नानक हों, महात्मा बुद्ध हों, ये जो पूरी भारतीय समानांतर परंपरा है, जो मेधा है, ये इस यहां पे जो मानवीय मूल्य जो भारतीय उसमें परंपरा में जो आते हैं, भारतीय चिंतन में जो आते हैं, वो यहां से आते हैं। और ये जो एक तरह से हमेशा ये इस रूप में आए हैं, तो ज्योतिबा फुले उसकी एक अगली कड़ी के तौर पे अपने समय में, और जिनसे फिर बाद में चाहे गांधी हो चाहे अंबेडकर हो, दोनों ने ज्योतिबा फुले को रियल महात्मा और अपना गुरु माना। अंबेडकर ने तो स्पष्ट तौर पे कहा। तो ये जो बात है समता की, मुक्ति की, कि ये जो गुलामी का जुआ है, और गुलामी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है कि भी अंग्रेज चले जाएं, जो सांस्कृतिक गुलामी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, जन बुद्धिजीवी है, इसका मतलब यही है कि वो जो उनका एक जो कल्चरल जो सांस्कृतिक तौर पे जो चीजें हैं उनके लिए उत्पीड़नकारी बनी हुई हैं, उनके जीवन में बाधक बनी हुई हैं, मानवीय गरिमा को प्राप्त करने में जो बाधा बनी हुई है, उनको हटाने का जो एक तरह से सॉफ्टवेयर विकसित करता है, ऐसे कह लीजिए, वो हमारा जन बुद्धिजीवी होता है। जो कल्चरल फॉर्म्स में जो दिखाई नहीं देती एक सामान्य व्यक्ति को, जिसको वो अच्छा मान के प्रैक्टिस करता जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही होती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो हम किसी और के खिलाफ लड़ते हैं तो वो आसान होती है, और जो सांस्कृतिक लड़ाई है वो हमारे अपने बुजुर्गों से, अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से होती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होती है। ये ज्योतिबा फुले और जो भी इसको करता है, घर से निकाल दिया जाता है। ज्योतिबा फुले को भी निकाल दिया था उसके फादर ने, और कभी वापसी नहीं हुई, ज्योतिबा फुले की घर वापसी नहीं हुई। तो ये जो हम और बल्कि इस रूप में कहा जाएगा, जिन समाजों के वो चिंतक थे, विचारक थे, उसके फादर ने घर से निकाल दिया, मतलब उस समाज ने ही उसको निकाल दिया, सोच को धारण नहीं किया ज्योतिबा फुले की। तो ये इस रूप में यदि हम देखें कि ज्योतिबा फुले का जो कोर वैल्यूज हैं उनकी, साहित्य की, उनके जीवन की, वो इस रूप में हमें दिखाई देंगी, दिखाई देती हैं। और यदि हम ये देखें कि ज्योतिबा फुले के जो कार्यक्रम हैं, जो उनके दिशाएं हैं काम की, ये तो वैल्यूज हो गई, उन्होंने काम कैसे किया, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिनसे सीखा जाना चाहिए ज्योतिबा फुले से, कि एक तो उनका काम है
क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक जिसको हम बोलते हैं, और एक है संघर्षात्मक जो स्ट्रगल करते हैं, जहां पे वो सिर्फ स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो क्रिएट भी कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई और इसी में उनका जीवन इसी तरह से जो हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए ये नहीं कहा, स्कूल खोले और उसके लिए स्ट्रगल किया। जो उसके खिलाफ शक्तियां थी, जो राजकीय शक्तियां थी उसके खिलाफ स्ट्रगल किया, जो विचार थे उसके खिलाफ स्ट्रगल किया और उसके उस स्कूल खोला, विधवा आश्रम खोले। और ऐसी तो एक उदाहरण आज भी ये अपने आप में बहुत ऐसी बात होगी, बहुत लोग जानते हैं इस बात को, ज्यादा सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो अपनी पत्नी को पढ़ाया, ये तो अंबेडकर ने और गांधी ने भी नहीं किया, कि जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा करके और फिर उसको एक तरह से कल्चरल चेंज का एक माध्यम बनाया। और वो सावित्री बाई फूले जिनका अभी 3 जनवरी को जन्मदिन भी है, उन्होंने वो पूरी जिंदगी वो काम करती रही, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले के मरने के बाद भी एक इस तरह की लीडरशिप उन्होंने उन समाजों के अंदर से विकसित करने की कोशिश की जिनको मतलब मनुष्य भी नहीं माना जाता था। नेता की तो बहुत दूर की बात है, बुद्धिजीवी की तो अलग ही बात है। तो ये जो बात उन्होंने संस्थाओं का जो निर्माण करना है, इस तरह से मानव संसाधनों का निर्माण करना है, कि उनका एक काम है बड़ा, जो मैं कह रहा था कि आपको पता है कि भारतीय समाज में विधवाएं तो अब भी होती हैं, पहले भी होती थी, और अपर कास्ट में ज्यादा होती थी वो, क्योंकि उनके यहाँ पुनर्विवाह का प्रावधान नहीं था। वो पूरी तरह से जितने ज्यादा कस्टम्स को रीति रिवाजों को मानते हैं उतने दुखी होते हैं लोग, आपको पता है। तो वो ज्यादा विधवाएं होती थी, अपर कास्ट में होती थी, और घरों में शोषण भी हो जाता था, तो इसी उसमें वो गर्भवतियां भी हो जाती थी। अब गर्भवती को तो छुपाया नहीं जा सकता, ये तो एक ऐसी चीज है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, ना आप विचार से छुपा सकते ना आप फिजिकली छुपा सकते। अब फिर उनका क्या बनेगा, या तो मेले में छोड़ आएंगे कि गुम हो गई है, मेले में गई थी गुम हो गई है, या तो विधवाओं के पूरे मोहल्ले बस्तियां बनी हुई हैं हमारे धार्मिक स्थलों पे, या तो उस औरत को मार दिया जाएगा, या तो उस बच्चे को मार दिया जाएगा जो उसके पेट में है, इससे कम कुछ नहीं होगा। इन ऐसी औरतों के लिए उन्होंने अपने घर के अंदर एक जगह बनाई, और आप मानेंगे कि पूना जो बनारस के बाद एक तरह से दूसरी नगरी माना जाता है, मध्यकाल में बनारस जहां पे कबीर रविदास और ये सब जितने भी संत है सब पैदा हुए बनारस में, जिसको कल्चरल राजधानी माना जाता है इंडिया की। किस लिए माना जाता है, क्योंकि वहीं से ही बनारस, आप समझ सकते हैं बनारस से ही आ रहा है सब कुछ। 6 साल हो गए आप तो बनारस एक्सपोर्ट करता है चीजों, लेकिन कबीर और रविदास भी वहीं से आए और वहीं पे चैलेंज किया। और आधुनिक समय में पूना, जहां ज्योतिबा फुले पैदा हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन के समय बिताया, संघर्ष किया सीधे सीधे, तो ये और पूरे पूना के मोहल्ला में पोस्ट वो लगा दिए होर्डिंग कि कोई यहाँ आके बच्चा पैदा कर सकती है, चाहे तो बच्चा ले जा सकती है, उसकी आइडेंटिटी छुपा ली जाएगी, और चाहे तो नहीं तो हम बच्चा पालेंगे। और आप मानेंगे 32 बच्चे पैदा हुए थे, 32, ये बहुत बड़ा नंबर है अपने घर में। आज भी शायद कोई इस बात को सोच नहीं सकता है। और उन्हीं में से एक बच्चा उन्होंने गोद भी लिया था, यशवंत राव, क्योंकि ज्योतिबा फूले सावित्री बाई फूले का अपना बच्चा नहीं था कोई, जिसका नाम यशवंत राव था, बाद में डॉक्टर बने वो पढ़ लिख करके। तो ये जो ज्योतिबा फूले का जो काम है रचनात्मक और संघर्षात्मक, ये बहुत प्रेरणादायी काम है, कि कुछ ऐसे काम है जो स्ट्रगल है
कुछ ऐसे काम है जो अल्टरनेट सिस्टम्स क्रिएट करना है, जो वैकल्पिक संस्थाओं का निर्माण करना है। और देख लीजिए आपके सामने जिन्होंने वैकल्पिक संस्थाओं का निर्माण किया वो शासन में है, चाहे मंदिर हो वो भी एक संस्था है, वहीं से चलते हैं उपदेश, और चाहे शिक्षा के शिशु निकेतन हो या कुछ भी हो। और जो सिर्फ स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि सोसाइटी तो संस्थाओं से ही गवर्न होती है, चाहे आप कितने ही एंटी स्ट्रक्चर्स हो लेकिन सोसाइटी चलती तो स्ट्रक्चर से ही है, कुछ चीजें तो होएंगी ही। तो ज्योतिबा फुले का ये जो दो की जो काम की जो दिशाएं हैं, यदि वो हम देखें, जो जो चीजें उन्होंने बनाई इस तरह से, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उससे जो भी समाज में वैकल्पिक समाज बनाना चाहते हैं, रिवोल्यूशन करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो यदि एक चीज को अपनाएंगे तो वो ऐसे होगा जैसे अधरंग होता है ना, पैरालिसिस टाइप, कि वो एक समय। तो इसलिए ये ज्योतिबा फुले से हम सीख सकते हैं। और ये जो किसान आंदोलन है, इसमें कुछ चीजें ऐसी की जा सकती है कि स्ट्रगल के साथ जो आप देख रहे होंगे, अभी हमारे एक दोस्त हैं वो ऐसी एक टिप्पणी कर रहे थे, एक छोटे से हल्के में मैं कह रहा हूं कि यदि ये आंदोलन थोड़ा सा और चल गया तो पंजाब वाले हुक्का पीना सीख जाएंगे और हरियाणा वाले जो है वो लंगर खिलाना सीख जाएंगे। तो हालांकि वो तो भाईचारे में बात कह रहे थे, लेकिन जो स्ट्रक्चर ज्योतिबा फुले से यदि हम चीजों को देखें, तो ज्योतिबा फुले का जो मूवमेंट है, जो उसकी जो रीडिंग है, उसको जिस तरह से पढ़ा गया है, असल में जिस तरह से भारतीय समाज को समझा गया या आंदोलनों को समझा गया कि या तो वो सामाजिक होते हैं या तो वो आर्थिक होते हैं, या तो आप आर्थिक मांगों के लिए लड़ रहे हैं या तो आप सामाजिक मांगों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो गैप है कि एक तरफ यदि उस रूप में कहूंगे, एक तरफ नीला झंडा चल रहा है, एक तरफ लाल झंडा चल रहा है, यदि बहुत सरलीकरण करूं उसका, तो ज्योतिबा फुले का मूवमेंट बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत जुड़ा हुआ है, कि यदि आपके सोच में, आपकी चेतना में ब्राह्मणवाद का कीड़ा बैठा हुआ है, पितृसत्ता का कीड़ा बैठा हुआ है, सारे फैसले आप उससे कर रहे हैं, यदि समाज में भेदभाव है, तो आर्थिक तौर पे आप क्या अचीव करने वाले हैं? ये जो कि किसानों के शोषण की जो उस समय की जो प्रक्रियाएं हैं, देखिए कानून के तौर पे तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम आप ले सकते हैं, जो जिन्होंने ज्योतिबा फुले के तो वो शिष्य नहीं थे, उन्होंने खुद ही माना है कि मैं, वो मेरे गुरु हैं, खुद ही अंबेडकर ने उनको कहा है कि वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे सीखा है, क्योंकि उनके तो एक साल पहले डेथ हो गई थी उनके पैदा होने से, अंबेडकर के पैदा होने से। तो वो खोती जो परंपरा थी, खेत, ये जो एक तरह से जागीरदारी सिस्टम था, जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर की जो आवाज है वो बहुत सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद की नहीं, बहुत पहले शुरू के चीजों में भी। और ये जो जागीरदारों का, जमींदारों का, और उस समय के जो प्राकृतिक चीजें थी, चाहे वो अकाल हो और चाहे राजकीय व्यवस्थाएं हो, और उस समय के जो शासक हैं अंग्रेज, और उनके साथ जो यहाँ के अपर कास्ट जो कर्मचारी थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी मिली भगत से जो शोषण होता हो, उन सब चीजों को एक ही साथ पे उन्होंने संबोधित किया। यदि आप ये किसान का कोड़ा किताब देखें तो 5 चैप्टर हैं किसान का कोड़ा में, और देखिए उसकी शुरुआत वही यहां से करते हैं, बहुत पॉपुलर उनकी ये बात है कि विद्या बिना मति गई, विद्या मतलब नॉलेज, उसके बिना मति गई बुद्धि, मति बिना नीति गई, बुद्धि नहीं है तो प्लानिंग नहीं है, नीति नहीं है, नीति बिना गति गई, यदि प्लानिंग नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है, गति गई, और गति बिना वित्त गया, और यदि प्रोग्रेस नहीं है तो आपके रिसोर्सेज नहीं है,
संसाधन ने वित्त गया, धन गया, और एक अविद्या ने इतने अनर्थ किए, सिर्फ एक चीज में, चेतना जिसको हम कहते हैं, विद्या जिसको हम कहते हैं, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, कि कितना लॉजिकल वो एक बात को किस तरह से रखते हैं अपने साहित्य के अंदर। तो ऐसे यदि हम देखेंगे कि ज्योतिबा फुले का ऐसा ही साहित्य है, जैसे बहुत स्थूल है, बहुत मोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हैं जो बाहरी जीवन में दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा, बहुत जैसे कहते हैं ना, बारीक बुनती नहीं बुनी गई है ज्योतिबा फुले के, उसमें जो जीवन में सबको ऊपर ही दिख रहे हैं उसके लिए इतना शब्दों की गुलजट बनाने की क्या जरूरत, उसके लिए इतना बारीक क्या कातना है कि आप चीजों को जटिल बनाओ। बुद्धिजीवी का काम तो सरल ही करना होता जैसे, और ज्योतिबा फुले की यदि आप भाषा देखेंगे तो बहुत, वो मेरे ख्याल से सभी समाज सुधारकों की होती ही है, कि कबीर की भी इतनी कड़वी भाषा है कि वो फटकारते हैं, और लेकिन हृदय उनका बहुत ही एक तरह से करुण होता है। अंबेडकर भी बहुत रूखे थे, यदि आप अंबेडकर की लैंग्वेज देखेंगे और उनका अपना व्यक्तिगत जीवन देखेंगे कि वो बहुत स्वीट नहीं थे, अंबेडकर भी बहुत मृदु भाषी जैसे होते हैं कि हाँ सबको जो है खुशी खुशी होकर लौटेंगे, नहीं, बहुत खरी खरी सुनाते थे। ज्योतिबा फुले भी बहुत खरी खरी सुनाते थे, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को जो खरी खरी सुनाते हैं। तो उनकी यदि भाषा देखेंगे, जैसे बिल्कुल ढेला मार पत्थर मार भाषा होती है, उस भाषा में हो सकता है लोगों को वही भाषा समझ में आती हो इस तरह से, पर लगता नहीं कि कोई स्ट्रेटजी थी है। वो उनकी अपने जीवन की जो सादगी है वो उसी से ही इस तरह की चीजें जो है वो मेरे ख्याल में होती थी। तो यदि हम ज्योतिबा फुले के जीवन को और उनके कामों को यदि हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि अब देखिए वो छोटी सी बात है, अभी भारत नया बन रहा है, मॉडर्न हो रहा है, लोकल भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में लिखा जाने लगा है, अभी मराठी में भी लिखा जाने लगा है, और वहां पे एक दक्षिणा वो होती थी, प्राइज कमेटी, प्रदक्षिणा, जिसमें से 30 लाख रुपए प्राइज के तौर पे दिए जाते थे लेखकों को, और वो दिए जाते थे संस्कृत के लेखकों को, और कुछ जब मराठी के लेखक हुए उन्होंने भी एक एप्लीकेशन डाल दी। तो अब संस्कृत तो देवभाषा है, उसके खिलाफ या उसमें से शेयर मांगने के लिए कौन आ गए, तो उन लेखकों की, शास्त्रियों की, ब्राह्मणों की पंचायत हुई कि एप्लीकेशन किसने दी है। वो भी ब्राह्मण ही थे लेखक भी, दूसरे भी, तो उन्होंने जो है उनको जैसे देश निकाला देते ना, जाति निकाला, तो बहुत बड़ी सजा है आइसोलेट कर देना भारतीय समाज में, वास्तव में ही सजा है अकेला छोड़ देना, बहिष्कार करना। तो वो ज्योतिबा फुले के पास गए कि ऐसे ऐसे हमने तो ये दे दिया है, 7 लोग थे वो, और अब लेकिन ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई है, तो आप इस बात पे सहमत हो जाओ कि हम आपका नाम लेंगे कि आपने सिग्नेचर किए थे उस पर, आपकी तरफ से एप्लीकेशन गई है। और ज्योतिबा फुले ने सहर्ष स्वीकार किया कि देखिए मेरा तो इसमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे करने से यदि मराठी भाषा का कोई फायदा होता है तो मुझे क्या दिक्कत है, और कितना मजा रहेगा जब महार, मांग, अनपढ़, अछूत लोग जुलूस में निकलेंगे मराठी भाषा के विकास के लिए। और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये स्टोरी नहीं मैं बता रहा हूं, ये जुलूस निकला और ज्योतिबा फुले का जब नाम आया, तो ज्योतिबा फुले तो पहलवान थे, आपने उनकी वेशभूषा देखी होगी कि वो लाठी जो है बहुत मोटा सोटा रखते थे अपने साथ, किसान थे और उनसे डरते भी थे क्योंकि वो अछूतों का, महार मांगों का अखाड़ा चलाते थे। वो खुद एक बहुत अच्छे मुदगर चलाने वाले थे, बचपन में उन्होंने इसका वो लिया था प्रशिक्षण, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि स्वतंत्रता सेनानी मैं क्या बनूंगा, मुझे तो मेरे दोस्त की बारात में से पीट के भगा दिया गया, तो पहले तो लड़ाई इनसे ही लड़नी पड़ेगी,
वो तो बाद में देखेंगे, तो उनकी जीवन की दिशा इससे बदल गई। स्वामी दयानंद सरस्वती तो बहुत बड़े हुए, आपको पता है पूना में उन्होंने 7 दिन का कैंप किया। एक घटना सुनाता हूं मैं आपको ज्योतिबा फुले के जीवन की, कि कैंप किया 7 दिन का, और महादेव गोविंद रानाडे जो जस्टिस थे वहां पे पूना में, उन्होंने उनको बुलाया। 7 दिन वो वेदों पे भाषण देते रहे, और वहां के सनातन धर्मी पंडितों ने ये कहा कि जो 7वें दिन जो इनकी सवारी निकलेगी, जुलूस निकलेगा, झांकी निकलेगी, उसको हम निकलने नहीं देंगे। तो फिर जो है ज्योतिबा फुले की उसमें पहुंची पंचायत, महादेव गोविंद रानाडे और आर्य समाज को मानने वाले कि ऐसे ऐसे ब्राह्मणों ने फतवा जारी किया है कि हम निकलने नहीं देंगे, तो आपका सहयोग चाहिए। ज्योतिबा फुले ने कहा, देखिए स्वामी दयानंद तो वेदों में विश्वास करते हैं, मेरा वेदों में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन एक मानवीय तौर पे उनको अपने धर्म के प्रचार करने का पूरा अधिकार है, इसलिए मैं साथ चलूंगा। और जुलूस निकला था हाथी पे बिठा के, और बाद में पंडितों ने खिसिया करके स्वामी दयानंद का पुतला बना करके गधे पे जुलूस निकाला उनका। जुलूस को तो नहीं रोक पाए, कौन सी फोर्स थी? तो ये जो रेडिकल वो है, ये जो संगठित शक्ति है, और जो जो पूरे मतलब पंजाब की तो ट्रेडिशन बहुत स्ट्रोंग है, हम सब जानते हैं, चाहे गदर हो, गदर पार्टी, और फिर जो रिवोल्यूशनरी, तो ये कहां से आती है? ये अपने आप को, चाहे गुरु गोविंद सिंह की शहादत हो, जुल्म के खिलाफ मुद्दे बदलते रहते हैं। वो जैसे स्टोरी, जैसे तस्वीर का फ्रेम होता है, स्टोरी तो एक फ्रेम होती है, वो तो फ्रेम की तरह है। बस इसलिए फ्रेम मत देखो कि उसमें राम की कहानी है कि किसकी कहानी है, तस्वीर इंपॉर्टेंट है। कई बार हम फ्रेम के चक्कर में ही पड़े रहते हैं कि वगैरह वगैरह। तो इसलिए ज्योतिबा फुले एक किसान नेता के तौर पे, यदि उनके हम काम देखेंगे, मतलब वो कहीं पे भी स्वामी दयानंद के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, मराठी भाषा के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, जुल्म किसी पे भी हो रहा हो। यदि सावित्री बाई फुले, उनकी पत्नी ने उनको 3 पत्र लिखे, बहुत मशहूर है वो, यदि वो पढ़ेंगे तो मतलब आप देखेंगे कि किस तरह से ये दंपत्ति जो है कैसे काम करता था। और लास्ट का जो टाइम था, ज्योतिबा फुले को अधरंग हो गया था वैसे, मतलब पैरालिसिस 2-2.5 साल उनके जीवन के उस पे कटे, और उसी के ऊपर उन्हें कुछ पुस्तकें लिखी। यदि हम ये देखें कि जो ज्योतिबा फुले को महात्मा की जो उपाधि है, यानी कि उनकी जो पॉपुलरिटी है, इस रूप में यदि हम देखें, तो खास तौर पे देखिए अपर कास्ट से तो बहुत सारे समाज सुधारक आते थे, लेकिन लोअर कास्ट से कोई समाज सुधारक का होना, इसीलिए उनके मुद्दों में फर्क है। अस्पृश्यता के खिलाफ तो सारे हैं, लेकिन जाति प्रथा के खिलाफ कौन है? आर्य समाज भी वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। तो ये जो, क्योंकि जो लोअर क्लास से, जो सबसे डाउन ट्रोडन है, उससे जो विचारक चिंतक आता है, तो वो उसको सब पता होता है कि कल्चर का जो लोड है ना, वो उसी के ऊपर पड़ता है जाकर के, सारी जो कल्चर की वो सबसे ज्यादा उसी के ऊपर जाकर के उसको सब पता होता है कि ये चीज है। तो इसलिए ज्योतिबा फुले एक सांस्कृतिक आलोचक के तौर पे या एक फिलोसफर के तौर पे, यदि हम ज्योतिबा फुले को पढ़ें, आम तौर पे ज्योतिबा फुले की मिसरीडिंग हुई है मेरे हिसाब से, कि उनको या तो एक दलित चिंतक मान लिया गया, या तो एक समाज सुधारक की, वो उन्होंने कुछ स्कूल खोले और वो लड़कियों के और अछूतों की शिक्षा के पक्षधर थे, या उन्होंने जो है अछूतों के लिए घर में ही जो कुआ था वो खोल दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। सिर्फ इतनी बात नहीं है, ज्योतिबा फुले की यदि हम राइटिंग पढ़ेंगे, तो जिस तरह से वो
आर्थिक चीजों को अपने सारी राइटिंग्स के बीच में लेकर के आते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीजें फिर से उनका पुनर्पाठ करने की जरूरत है। यदि मुझे कोई भी मैं कहीं से भी इसको खोल के पढ़ता हूं, उनकी मेरे सामने एक किताब है, तो आप कुछ भी पाएंगे, कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो उस हर तीसरी लाइन में ही आपको मिलेगा कि ये तो मतलब बिल्कुल आर्थिक आधार के ऊपर चीजों को विश्लेषित कर रहे हैं, वर्गीय पहचान कर रहे हैं कि एक तो वो बंदा है जो सिर्फ खाता है और दूसरा वो है जो काम करता है, उसकी जो पहचान करना है, ये ज्योतिबा फूले के साहित्य में सब जगह मिलेगा। यदि मुझे इस किताब में कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बाद में मतलब उसका रेफरेंस भेज दूंगा। खास तौर पे जो जहां स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है वो सभी जगह दिखता है। उनकी कविता है कुनबी स्त्री, सुबह से लेकर के शाम तक वो जो एक किसान की स्त्री होती है या किसान महिला होती है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, जिस तरह से उन्होंने लिखा है वो अद्भुत है कि कैसे वो सुबह उठ करके क्या क्या काम करना शुरू करती है और शाम तक जो है कितना काम करती चली जाती है और फिर भी लोग उसको किस तरह से एक तरह से अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो ऐसे उन्होंने हर एक जगह पे जो आर्थिक पहलू है उसको हमेशा ध्यान में रखा है ज्योतिबा फूले ने, और उसमें जो वर्गीय जो पहचान है उसके संकेत हमें मिलते हैं जगह 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 जगह। मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूं कोई, हाँ जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहां से वो पहचान कर रहे हैं। एक मैं छोटा सा दो तीन चार लाइनें ही पढ़ देता हूं, ज्यादा नहीं, कि रजाई की गर्माहट में आए अंगड़ाई, क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन है तो आप समझ लेना बस। रजाई की गर्माहट में आए अंगड़ाई, नींद नहीं आती निकम्मे को, कि जो निकम्मा व्यक्ति है। और दूसरा क्या है, ओस बिंदु से जब लथपथ रहते थे खेत बंधान, बैलों को चराए आधी रात को। एक बंदा तो बिस्तरे में पड़ा हुआ है आराम से और दूसरा खेत आधी रात को बैल चरा रहा है मेहनत के लिए। खाना पीना नित भर पेट, कर्म कांडों का ठाट, खूब मड़ाई मार रहे हैं कर्म कांडों का ठाट। संध्या के लिए पाठ, मौन सुख और मौन धारण करके बैठ गए। एक तो ये वर्ग है और दूसरा क्या है, ठीक ठाक करते बैल बंडी और हल को, टूटी हुई डोरी से बांधते उसको, पांव में जूतियां चमड़े की चुन्नट की धोती। अब ये दूसरा है कि उसके पांव में चमड़े की जूतियां और चुन्नट वाली धोती, बहुत बढ़िया। पगड़ी का बोझ, उसके मैले कुचैले कपड़े। मतलब ये जो आप देखेंगे कि वो ये बना रहे हैं, एक तरफ ये उसको बता रहे हैं और ऐसा चित्रण करते जाते हैं सब जगह कि वो कैसे नंग धड़ंगा वह बम्ब लगोटी बहादुर, कि वो ऐसा काम वही करता है सारा लेकिन मिलता उसको कुछ नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस सब के क्यों का उन्होंने आंसर खोजा इस बात पे कि जो शासकीय नीतियां हैं और जो उसके समर्थक लोग हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो अपर कास्ट से ज्यादा आती है, वो उसको चूस रही है किसान को, चाहे उस लगान के रूप में चाहे रिश्वत के रूप में, अलग अलग पहलुओं से कि किसी तरह की रिलीफ नहीं है उसको। और यदि बाद में यदि हम देखें कि जो हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए मुंशी प्रेमचंद, जब उन्होंने गोदान और दूसरे उपन्यास रंगभूमि वगैरह किसानों पे लिखे, तो उनकी उनकी राइटिंग में यही बात है कि किसान चार जगह से उसके शोषण हो रहा है, कि एक जागीरदार है, एक सरकार है, एक साहूकार है और एक जो ये पूरा असलामला है, धर्म है, पाखंड है। ये चार छेद हैं उसकी कमाई में, चारों वो कितना ही मर्जी काम कर ले कहां जाएगा।
तो ये किसान के शोषण, उसकी बुरी हालत क्यों है कि वो इतना काम करने के बाद उसके डंगर पशु सब वो काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत इतनी खराब क्यों है? कि जब उसने ये कहा तो ये हुआ, ये नजर आता है। और ज्योतिबा फुले क्योंकि सरकार के मतलब अंग्रेजी व्यवस्था रहे, अंग्रेजी के खिलाफ तो नहीं थे वो, क्योंकि दूसरी जो व्यवस्था थी ब्राह्मण व्यवस्था कि ये दोबारा से ना बैठ जाए तो बुरा हाल होएगा, लेकिन वो अंग्रेजी शासन की इस तरह से आलोचना करते हैं कि आप सारा टैक्स तो लेते हो किसानों से, कुणबियों से, गरीब लोगों से, और खर्च करते हो अपर कास्ट पे, अपर क्लास पे, खर्च करते हो आप दक्षिणा पे, और पैसा कहां से आ रहा है? यानी कि वो सवाल उठा रहे हैं कि जो संसाधन है जो जनता के टैक्स से इकट्ठे हुए हैं, क्या गवर्नमेंट उनको उसके बदले में दे रही है? जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें एक चिट्ठी आई है, आपके सबके पास पहुंची होगी, मेरे अखबार में भी आई थी, कि किसानों के लिए 1,00,000,00,000 रुपए आवंटित कर दिए। ठीक है, जरूर कर दिए होंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन वो मिलेंगे किसको? वो मिलेंगे उनको जिनके बड़े बड़े गोदाम होंगे स्टोरेज के नाम पे, कारपोरेट होंगे। ये 1,00,000,00,000 जम करने हैं किसी तरह, उसका बहाना भी तो चाहिए। अब किसानों को डायरेक्ट दे दीजिए ना 1,00,000,00,000, आवंटित क्यों कर रहे हैं सिर्फ? ये 1,00,000,00,000 किसके लिए रखे हुए हैं? ये जो कि वो जो हमारा धन है, जो संसाधन है, वो किसको आप लुटा रहे हो, किसको बांट रहे हो? इस पे ज्योतिबा फुले की राइटिंग में जगह 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 ये सवाल आता है। और महाराष्ट्र के किसान तो ज्योतिबा फुले की फोटो लगाते ही हैं अपने हर एक, कोई आंदोलन कोई होता नहीं है ज्योतिबा फुले के बिना, वो उनकी फोटो जरूर होती है, चाहे चाहे लेफ्ट के हों, चाहे जो दलित के हों, चाहे राइट के भी हों, शिवसेना के भी हों, सब ज्योतिबा फुले की फोटो लगती है, क्योंकि वो इतने आदरणीय है। अब जब वो सवाल लगाते हैं इस बात के ऊपर, सरकार जो हमारे संसाधन है वो खर्च कहां करे, तो ये सवाल बनता है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ हमारे धन का कस्टोडियन है, वो उसके मालिक नहीं है, वो उसके व्यवस्था कहां हो हमारे लिए है। ये जो धन का जो साइफन हो रहा है कि इधर से लूट करके उधर देना, ये जो जादूगर की तरह से जो आंखें मिचा देते हैं, चुरलू होता था ना कि भाई हाँ इधर से हाथ डाला उधर से निकाल के उसको दे दिया, ये सवाल बनता है। और ज्योतिबा फुले ने अपने साहित्य के अंदर ये सवाल उठाए हैं, और हमारे लिए आज के दिन एक उससे सीख मिलती है, इन आंदोलनों को भी और इस आंदोलन को भी। यदि एक परिवर्तनकारी आंदोलन बनना है तो इसको भी और ज्यादा सर्वसमावेशी आंदोलन कैसे होगा? वैसे तो देखिए, जो भी बंदा दुनिया में है उसका संबंध मिट्टी से तो होता ही है और खाने से भी होता है, इसलिए इसमें बहुत सारी आबादियां, बहुत सारे संगठन जो नॉन एग्रीकल्चर है या खेती और मजदूर है या किसी जो खेती में भी नहीं है वो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि खाने का सवाल तो सभी का सवाल है। लेकिन इस आंदोलन को भी एक यदि ये वैकल्पिक और चीजें अपने अंदर डालेगा, सर्व और विस्तार लेगा ये आंदोलन, तो ये आंदोलन जो है पूरे भारत की तस्वीर बदल सकता है। चेतना तो बहुत आई है सारे देश के किसानों में, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दूसरी जगह पे भी, वो चेतना का प्रवाह तो यहां से हो ही रहा है, हर रोज लगातार हम देख रहे हैं। और इस आंदोलन के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते, जो ज्योतिबा फुले का एम्बलम था एक तरह से, उनकी उस पर लगा हुआ होता था सत्यमेव जयते, कि सत्य की जीत होगी। झूठ का आकार बड़ा हो सकता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, वो रुई की गठड़ी है, वो उसमें वो सिर्फ साइज में उसका फैला, पर जो सच्चाई का वजन है जिसको बोलते हैं, अंततः तो हम देख ही रहे हैं कि हवाइयां उड़ी हुई हैं चेहरों पे,
कोशिशें की जा रही है किस तरह से फूट डालें, किस तरह से इसको सेक्टेरियन आंदोलन के तौर पे परिभाषित करें, कैसे एकदम याद आ गया कि पानी मांग लो अभी, वगैरह वगैरह बहुत सारे तरकीबें, और सब फेल हो रही हैं, क्योंकि ये आंदोलन जमीन का आंदोलन है। ये आंदोलन एक तरह से सारी संकीर्णताओं को छोड़ के सबको एक जगह ले आने वाला आंदोलन है। तो इस आंदोलन में अभी और गुंजाइश है, और ज्योतिबा फुले की विचारधारा के माध्यम से जो लोग ज्योतिबा फुले के प्रैक्टिशनर हैं, ज्योतिबा फुले की फोटो लगाते हैं अपने आंदोलनों के अंदर, ज्योतिबा फुले की जयंतियां मनाते हैं, और ज्योतिबा फुले की विचारधारा के चैंपियन है, उनको इस आंदोलन के अंदर भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ये आज उन सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि यदि आप ज्योतिबा फुले के सच्चे वारिस हैं तो आप इस आंदोलन के अगुआ बनिए, इस आंदोलन में आप स्पष्ट तौर पर दिखाई देना चाहिए। बहुत सारी जत्थेबंदियां जो इस आंदोलन को मानती हैं, इस विचारधारा को मानती हैं, वो वहां हैं, लेकिन जो लोग बैठकों में आराम कर रहे हैं और देख रहे हैं माहौल और मूड, उन सबको ज्योतिबा फूले की फोटो के साथ वहां पहुंचना चाहिए। अभी 3 जनवरी है, सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है, क्या सावित्री बाई फूले की फोटो के साथ वहां पे नहीं हो सकता? तो जितने भी दोस्त मित्र हमारे सुन रहे हैं, जो दलित चिंतक विचारक वगैरह 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 जितने भी सब विचार कर रहे हैं उसके ऊपर, यदि ज्योतिबा फूले की प्रासंगिकता आज है, ज्योतिबा फूले सिर्फ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ नहीं, वो पूरी दुनिया के मसीहा, वो पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाले, और वो उसी श्रेणी में आते हैं जिसमें कबीर होते हैं, जिसमें गुरु नानक होते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध होते हैं। तो ये एक पूरी विरासत का आंदोलन, और उन साथियों को जो ज्योतिबा फुले की विचारधारा में शामिल हैं, उस कोर को समझना चाहते हैं, तो ज्योतिबा फुले की पुस्तकों के माध्यम से उसको समझते हैं या अनुभव से समझते हैं, तो ये आंदोलन एक वर्किंग क्लास का आंदोलन है, रिवोल्यूशनरी आंदोलन, इसको पहचानने की जरूरत, इसमें शामिल होने की जरूरत है। इस टाइम पे ज्योतिबा फुले सबसे ज्यादा, देखिए पिछले साल एक आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा फोटो अंबेडकर की थी। भाई कोई भी लड़े, लेकिन लड़ाका फोर्स, लड़ने का विचार, एंटी एस्टेब्लिशमेंट थॉट यदि भारत की चिंतन परंपरा में कहीं है तो अंबेडकर, भगत सिंह, ज्योतिबा फुले, कबीर, रैदास, नानक, महात्मा बुद्ध, यही तो परंपरा है। और कौन सी परंपरा, कौन से शंकराचार्यों ने यहाँ पे कभी प्रदर्शन किए हैं, कौन से वो उसमें तो संघर्षों की जो परंपरा, जो मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की जो परंपरा, उस परंपरा के जो वारिस है वो ज्योतिबा फुले के सच्चे शिष्य हैं। इसलिए उनको ज्योतिबा फुले की विचारधारा को पुनर्परिभाषित करते हुए, ये नहीं है कि उस समय के मुद्दे तो बदलेंगे ही, विषय बदल गए हैं, लोग तो वही हैं, आज भी लड़ाई उन्हीं के साथ है जब ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ, जिसके खिलाफ ज्योतिबा फुले थे, आज भी उनका प्रपंच चारों तरफ है, कभी मंदिर के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे जो फूट डाली जा रही है, और जो अंधविश्वास चला जा रहा है, जो नरेंद्र धाबोलकर हो, कलबुर्गी हो, जो उनकी हत्या हुई किस लिए हुई, क्योंकि वो पाखंडों के खिलाफ थे, क्योंकि वो अंधविश्वासों, अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। तो धाबोलकर कौन है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले के शिष्य है, वो सच्चे प्रैक्टिशनर है उनकी विचारधारा। तो जो भी मानवीयता की आवाज उठाता है, जो भी चैलेंज करता है, जो भी शासन सत्ताओं की क्रूरताओं के सामने चुनौती बनता है और सत्य की रक्षा करता है, न्याय के लिए लड़ता है, समता स्थापित करने के लिए लड़ता है, मुक्ति के आवाज बनता है, वो ज्योतिबा फुले को अपने यहां बिठाए, अन्यथा ज्योतिबा फुले कोई डेकोरेटिव पीस नहीं है। ज्योतिबा फुले एक संघर्ष का उसका नाम है, जहां से भी ज्योतिबा फुले की जिंदगी पड़ी है, कि जब वो
1888 में ड्यूक वहां पे आए पूना में, बड़े बड़े राजा महाराजा चौधरी जमींदार सब सोने के कड़े डाल के मालाएं डाल के वहां बैठे हुए थे मुकुट लगा के। तो ज्योतिबा फूले जब अपने किसान की वेशभूषा में लाठी लेके वह पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा था कि इन सामने बैठे हुए लोगों के गहनों को देख करके ये अंदाजा मत लगाना कि सच्चा भारत ये है, कि सच्चा भारत देहातों में बसता है। वाह, उनको भी कहा था कि अपनी दादी को नानी को बताना जा करके, एलिजाबेथ विक्टोरिया जो भी थी, कि उनको बताना जा करके कि सच्चा भारत कैसे गंदे बस्तियों में बसता है, किस तरह से कुपोषण का शिकार है, कैसे तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी का शिकार। वो जो उनका ऐतिहासिक भाषण है वहां पे, तो ऐसे ज्योतिबा फुले थे जो बेबाकी के साथ बिना शर्माए साहस के साथ, क्यों ये साहस कहां से आता है, सच्चाई से आता है साहस। आप सत्य के साथ हैं, सत्य आपके साथ है तो आपके पास साहस आए। और लड़ाकों की पूंजी क्या होती है, कोई भी जब लड़ता है तो वो सत्य उसकी पीठ पे यदि है, उसके दिल में है, उसकी जुबान में है, उसकी सोच में है, तो वो जीतेगा जरूर। और पिछले दिनों में के संघर्षों ने, चाहे वो 2 अक्टूबर का हो, 2 अप्रैल का हो, जो दलितों के जो संघर्ष है उसने करके दिखाया कि एक बार ये आबादी भी निकले सड़कों पे, बहुत बार जलवा दिखाया है। तो जैसे ज्योतिबा फूले मराठी भाषा के लिए महार मातंगों के साथ नंग धड़ंग जो उसके पहलवान थे, अनपढ़ लोग थे, उनका क्या लेना देना था लेखन से और इससे, बैठे रहते घर में आराम से, हमें क्या लेना। स्वामी दयानंद से उनका क्या लेना देना था, क्योंकि वो मानवीय अधिकारों के लिए, एक व्यक्ति के अधिकारों के लिए, यदि उनके अधिकार सुरक्षित हैं तभी आपके अधिकार सुरक्षित। क्या बात, ये विचारधारा, ये भावना जो है ज्योतिबा फुले और उनका सत्यशोधक समाज उसकी है। तो उसको अपनाते हुए जो ये आंदोलन बना है किसान आंदोलन, उसके साथ एक गहरा रिश्ता ज्योतिबा फुले की विचारधारा का है। और सिर्फ घूम के नहीं है, बाईपास नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, सीधे तौर पे किसान का कोड़ा ये नाम है, आप किताब है पूरी लिखी हुई, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथियों, बहुत सारी बातें रह गई होंगी, स्वाभाविक है, और कई बार किसी एक खास रो में चीजें रह जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं पंजाब के जुझारू और चिंतक विचारक साथियों के बीच में ये गुस्ताखी कर सकूं, और जो भी मैंने कहा जितनी मेरी समझ थी उसी के हिसाब से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई बात आप चाहेंगे कि और करने की जरूरत है तो बात की जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदारा 23 मार्च का, और सभी साथियों का जिन्होंने मतलब सुना, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैज साहब। और जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें एक बहुत दिलचस्प था कि प्रोफेसर सुभाष एनर्जेटिक मोड में, तो मुझे लगा कि कोई आपकी रम्स जानने वाले लोग सुन रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प था कि आपने जब शुरू किया तो एक बहुत सधी हुई विश्लेषणात्मक भाषा में आपने बात अपनी शुरू की, उसको बनाए रखा, लेकिन उसके अंदर फिर जिस तरह से आवेश और एक वेग ने अपनी जगह बनाई, तो मुझे लगा कि एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का सोचना, बोलना, महसूस करना, और जब एक संघर्ष का ताप आसपास चल रहा हो तो उसको भी आवाज देनी, ये सब एक तरह से होता है। आपका बोलना और ज्योतिबा फुले का लिखना लगभग एक सम पे चल रहे थे कि आप ही की आवाज में से उनकी लिखत की धार को हम लोग पढ़ पा रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर सुखदेव सिंह सोहल तो है ही, साथ में जो दोस्त तलवंडी साबो में जत्था बना के सुन रहे हैं, कोई टिप्पणी, कोई मुख्तसर गलबात, या कोई सवाल, या कोई आपा किसी चीज दे बारे पूछना होवे, कोई क्लैरिफिकेशन दी लोड होवे, तां मंच खुला है एक या दो सवालां दे लई।
पंजाब में मैं आता रहा हूँ पहले जी। एक बार तो मैं जालंधर, ये मान सिंह बल होते थे, बल बल अब तो नहीं है वहाँ, एक जालंधर में तो आप समझते हैं दलित काफी चिंतकों का वो एक जमावड़ा भी है, और पीछे जो संगरूर में ये कुछ इस तरह के जमीन को लेकर के जो आंदोलन चले जी, उसमें भी एक दो जगह मैं आया था उस दौरान, उन साथियों ने बुलाया था कि जो जमीन के और कास्ट के जो रिलेशन, कि देखिए अंबेडकर भी हो गुजरे यहाँ और गुरु नानक भी, लेकिन जाति तो ऐसे ही खड़ी है ना, तो कोई चीज तो है ना जो उसको आधार दिए हुए टिकाए हुए है। खैर जी, नहीं वो जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी वालों दोस्त हैं जो वहां पे इस सारी बात को चलाते हैं, उन्होंने आपको जरूर बुलाया होगा। तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह सोलहुणा नूं आखां, मैं अपने वल्लों इस भाषण दे बाबत एक दो ऑब्जरवेशन्स जिहड़ियां बनियां ने वह मैं सांझियां कर लैना। जिस तरह के नाल प्रोफेसर सुभाष चंद्र हुणा ने ज्योतिबा फुले की लेखनी दे कुछ बुनियादी नुकते साडे नाल कढ के रखे ने कि जिन्हां दे जरिए असी एक समझ बना सकते हैं, उहदे विच उहनां ने तीन चीज़ां नूं वड्डे तौर पर रखिया कि एक तो सच दी या सत्य दी जिहड़ी एक उहनां दा हाइपोथेसिस है उहनूं उह की समझदे ने, और उह बहुत नज़दीक जा के जुड़दा है कि सच एक तो इहनां ने गल आखी कि कमाउणा पैंदा है, उह बणिया बणाया घड़िया कढ़ाया हट्टियां बाजारां तों नहीं मिलदा, कमाउणा पैंदा। दूसरी गल इह कि उह उदों तक उहदा ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਾ ਉਰਾ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਕਿ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ, ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਡ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਆਏ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫੇਰ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅਮਨ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜ਼ਮਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਗੈਲੀਟੇਰੀਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਾਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਾਸ
ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਰਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਖੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਤ, ਮਤ ਤੋਂ ਗਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਸ਼ੋਧਕ ਜੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਨਾਨਕ, ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਗਰ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਕੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੇ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਨਕੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੱਤਿਆ ਧਰਮ, ਉਸਮੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਨਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਥੇ ਯਾ ਫੋਲੋਵਰ ਥੇ ਧੋਂਡੀ ਰਾਮ, ਵੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਤੇ ਯੇ ਉੱਤਰ ਦੇਤੇ ਥੇ। ਉਸਮੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮੋਂ ਮੇ, ਧਰਮ ਕੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕੇ ਹੈ ਉਸਮੇ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। तो ज्योतिबा फुले का बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर था, कहते यदि ये किताबें लिखने वाली कोई औरत होती तो शायद ऐसा नहीं होता। मतलब जो पूरा ज्ञान का जो एक तरह से लैंगिक पहलू है तो वो उसको बहुत ही साधारण शब्दों में इस तरह से वो बता जाते हैं कि औरतों के खिलाफ सभी धर्मों में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों की गई, तो वो उसका ये आंसर करते। एक और उनकी उन्होंने सवाल पूछा, मतलब यही बात कि ये जो धर्म वाला जो पहलू है, परिवर्तन वाला, कन्वर्जन जो है, क्योंकि उस टाइम पे ईसाई आ चुके थे और ये कन्वर्जन का मामला तो था ही, लोग बन जाते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए एक ही परिवार में यदि कोई व्यक्ति कोई है तो कोई धर्म है तो उसकी पुत्रवधु ईसाई हो सकती है, वो खुद बौद्ध हो सकता है, कोई सार्वजनिक सत्य धर्म भी प्रयोग कर सकता है। यानी कि एक ही फैमिली में अलग अलग धर्मों के लोग क्यों नहीं रह सकते, वो अपनी अपनी उपासना ही तो करनी है अलग, बाकी तो सेम है। ये जो फैमिली का जो सेक्युलराइजेशन है एक तरह से, कि जो उस परिवार के अंदर की, आप देश की बात तो छोड़ो, देश तो बहुत बड़ी चीज है, कि एक परिवार में ही पत्नी, पुत्र, पुत्र उसके सास ससुर, यानी कि फैमिली चार बंदे बनाए उसने, तो अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं। और फिर ये उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने एक धर्म चलाया सार्वजनिक सत्य धर्म जो चला नहीं ज्यादा, वो धर्म को इस तरह से देखते थे कि भाई आप पढ़ के बनो ना,
आप बाई चांस कहीं पैदा हो गए और आप क्लेम कर रहे हो कि मैं इस धर्म का मानने वाला हूं, आपको उसका पता है नहीं कुछ भी। तो कोई भी धर्म यदि आप अपना रहे हैं तो क्या उसकी आपको पता है? इसमें वो ये कह रहे हैं। और एक ही परिवार में, मतलब जो सेक्युलरिज्म का जो भारत का जो वो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये विदेशी विचार है और सेकुलर है और फलां फलां। अब जब तो ये बात चर्चा भी शुरू नहीं हुई थी, ज्योतिबा फूले की राइटिंग में ये चीज है कि एक ही फैमिली में अलग अलग धर्मों के लोग रह सकते हैं। तो इस ये दो बातें मैं कहना चाहता था। जी सॉरी डिस्टर्ब किया सर। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रोफेसर सोल तुहाडे लई जी। हाँ जी जी, बहुत खूब डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, तुसी ए जिस भी तरीके दे नाल ए सानू महात्मा ज्योतिबा फूले दे बारे दस्या वा, उस दा मैं खुद इतिहास दा विद्यार्थी हाँ, पर मैनू इन्नी गहराई दा पता नहीं सीगा। और ये जिस तरीके नाल संदर्भ हुण दे किसानी अंदोलन नाल जुड़दा वा, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ 1840 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1920 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ 1950 ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਏਕੜ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75,000 ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲੀਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਲਾਲ ਪੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਟਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 3 ਜਨਵਰੀ 2021 ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ 23 ਮਾਰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਟੁੱਟੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਚਲੋ ਜੀ।